हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ कुमार गुप्ता फ्रॉम आईआईटी पटना और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ इस वीडियो के साथ जो कि अध्ययन इवेंट के लिए बनाई गई है। विज्ञान को अच्छे से समझने के लिए प्रयोग बहुत ही जरूरी है और इसी संदर्भ में हम आज एक प्रयोग के बारे में बात करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। यह प्रयोग एनसीईआरटी के कक्षा 10 प्रयोगशाला पुस्तिका से ली गई है। आज के इस प्रयोग का उद्देश्य है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है और इसको सिद्ध करने। आइए हम बात करते हैं उस सिद्धांत की जिसे हम फोटोसिंथेसिस अथवा प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पादप स्वपोषी होते हैं क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स स्वयं संश्लेषित करते हैं। प्रकाश तथा जल के अतिरिक्त इस प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। पौधे वायुमंडल में से पत्तियां में उपस्थित रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अपचारित होकर कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। यदि इनमें से कोई भी एक उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होगी। आवश्यक सामग्री। सबसे पहले जो सामग्री जो सबसे आवश्यक चीज है वो है हमें एक गमले में लगा हुआ एक ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां लंबी हो, जो कि स्टार्च रहित पौधा होना चाहिए, जैसे कि तिकोमा, बालसम अथवा साल्विया के पौधे। दो क्वथन नलियां, एक विभक्त कार्क, क्यूएच विलयन, एल्कोहल, आयोडीन विलयन, पेट्रोलियम जेली, बीकर, पेट्री डिश, चिमटी, एक बर्नर अथवा स्प्रिट लैम्प, एक तिपाई स्टैंड, तार की जाली तथा क्लैंप युक्त प्रयोगशाला स्टैंड। कार्यविधि। उपयुक्त सूची में दिए गए पादपों में से कोई भी एक स्टार्च रहित पौधा ले लें। क्वथन नली को केओएच विलयन से उसके पांचवें भाग तक भर लें। क्वथन नली में विभक्त क्वार्क द्वारा, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, स्टार्च रहित पौधे की एक अक्षत पत्ती का आधा भाग प्रविष्ट करें और सुनिश्चित कर लें कि पत्ती कहीं से भी विलयन को स्पर्श ना करे। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉस्टिक पोटाश क्वथन नली में मौजूद सभी CO2 को अवशोषित कर लेगा। क्लैंप की सहायता से नली को स्टैंड पर फिट कर पेट्रोलियम जेली से पतली परत के प्रयोग से क्वथन नली को वायुरोधित बनाएं। प्रयोग को लगभग 1.5 घंटे तक सूर्य के तेज प्रकाश में रखें। तत्पश्चात लगभग 150 ml जल को बीकर में लें और उसे उबाल लें। गमले में लगे जनक पादप से प्रायोगिक पत्ती को अलग कर लें और कुछ समय तक इसे बीकर में के पानी में उबाल लें। अब पानी को उबालना बंद करें और बीकर की तिपाई स्टैंड से उतार कर पानी को लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने के लिए रख दें। अन्य क्वथन नली जिसमें अल्कोहल हो पत्ती को स्थानांतरित करें। क्वथन नली जिसमें अल्कोहल की डूबी प्रायोगिक पत्ती है को ऐसे बीकर में रखें जिसमें गर्म पानी हो, पत्ती भी गर्म हो जाएगी। क्वथन नली को बीकर में तब तक रखें जब तक वो रंगहीन ना हो जाए। पैट्री डिश में कुछ आयोडीन का विलयन ले लें और पत्ती को अच्छी तरह से धो लें। उसे पैट्री डिश में रखें और आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें उसके ऊपर डालें। तत्पश्चात लगभग 5 मिनट के बाद विलयन आयोडीन विलयन से पत्ती को बाहर निकालें और उसे पानी से धो लें तथा उसका निरीक्षण करें। आपको निरीक्षण करने के बाद यह पता चलेगा कि पत्ती का आधा हिस्सा नीला काला रंग का हो गया है और आधा हिस्सा रंगहीन हो गया है। अब आइए हम विस्तार से इन परिणामों को समझें और इस पर विचार करने की कोशिश करें। हम ये बड़ी आसानी से देख पाएंगे कि पत्ती का वो हिस्सा जो क्वथन नली के अंदर था अभी भी रंगहीन है, जबकि वो हिस्सा जो क्वथन नली के बाहर थी वो नीला काला रंग का हो गया है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि स्टार्च आयोडीन के प्रतिक्रिया के शक्कर के काला नीला रंग देता है। पत्ती का दोनों हिस्सा को समान मात्रा में सूर्य का प्रकाश जल मिलता है और साथ ही दोनों के पास क्लोरोप्लास्ट भी है।
जबकि पत्ती का वो हिस्सा जो क्वथन नली के अंदर था उसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, जिसकी वजह से स्टार्च नहीं बन सका। और इसी के परिणाम आयोडीन विलयन डालने के बाद भी पत्ती का वो भाग रंगहीन ही रहा। इससे ये साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, सूर्य की रोशनी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है। आइए हम कुछ सावधानियों की बात करते हैं जो कि इस प्रयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा अल्कोहल को उपयोग में लेते समय सावधानी रखनी चाहिए। प्रयोग उपकरण तैयार करते समय विभक्त कांच में से होकर सावधानी पूर्वक पत्ती को उसमें प्रविष्ट करना चाहिए ताकि पत्ती किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त ना हो जाए। प्रयोगात्मक उपकरण वायुरोधी होना चाहिए। अल्कोहल अत्यंत ज्वलनशील होता है और इस कारण इसे सीधे लौ पर गर्म नहीं करना चाहिए। पत्ती का कोई भी भाग KOH विलयन के संपर्क में नहीं रखना चाहिए। यदि पादप पूर्णतः स्टार्च रहित नहीं है तब तक संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आशा है आपने इस प्रयोग को काफी अच्छे तरीके से समझा। अब आइए आपसे हम कुछ प्रश्न पूछते हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि प्रयोग से पूर्व हम पत्तियों को स्टार्च रहित क्यों करते हैं? प्रयोग में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्या भूमिका है? क्या आप कोई अन्य पदार्थ भी सुझा सकते हैं जो इसके स्थान पर प्रयोग किया जा सके? धन्यवाद।